रखो। जफर भाई बाद में। हर फोटो में मोबाइल आ रहा है जफर भाई का। तो उनको एक किसी मजहब के का लेबल लगाकर उनके पूरे अस्तित्व पे एक निशान लगाना, ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत शर्मनाक बात है और बेसिकली इट इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे मुझे लगता है। मतलब हमारा संविधान ही ये नहीं बोलता ना टू स्टार्ट विथ, तो फिर किसी भी गवर्नमेंट को, दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट हिटलर डिड। जू लोगों के साथ उसने जो शुरुआत की थी वो ऐसे ही की थी और धीरे धीरे वी आर फॉलोइंग द फूड स्टेप्स। लेकिन मुझे पता है कि कुछ सेंस उनमें प्रवेल होगा, उनको ऊपर वाला शायद कुछ अच्छा बुद्धि दे। और उन्होंने जिस तरह से हिटलर ने काम किया था उसी तरह से क्या ये सरकार काम कर रही है? वो तो आप पहले दिन से देख ही रहे हो, इट इज़ ऑल तानाशाही ओनली, इट्स ओनली मी, मैं और सिर्फ मैं, मेरे सिवाय कोई नहीं है। और उन लोगों को आप अचानक उनके ऊपर एक सवालिया निशान लगा रहे हो कि वेदर यू आर एलिजिबल टू बी अ सिटीजन और वॉट एवर, ये एकदम गलत है। दिस इज लाइक व्हाट हिटलर डिड। अमित शाह का कहना है कि मुसलमान को घबराने की जरूरत नहीं, वो हर चीज में ऐसे ही बोलते हैं। GST लगाया तो बोले आप घबराओ मत, नोटबंदी किया तो बोले आप घबराओ मत, अभी उन सारों के परिणाम धीरे धीरे हमारे सामने आ रहे हैं। जिस तरह से भारत के बंटवारे हुए थे उसी तरह से क्या देश फिर उसी रास्ते पे जा रहा है, इस पर क्या है? अभी क्या हो रहा है ना, वो एक कार्ड बहुत पहले से चला रहे हैं, वो है हिंदू कार्ड। दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट द मेजोरिटी। उनको ऐसे लग रहा है कि जितने हिंदू इंडिया में रहते हैं दे आर ऑल मुस्लिम हेटर्स और वो सब उनके साथ में है, विच इज रॉन्ग। यहाँ पे हिंदूज भी है और हमको ऐसे नहीं लगता कि हम किसी को हेट करते हैं। मेरे ख्याल से जो पहले से यहाँ पे रह रहे हैं सालों से, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे ही पुरुषों के साथ में, शायद उनके दादा परदादा हमारे दादा परदादाओं के साथ में रहे और अभी उनके बच्चे और उनके पोते पोतरे हमारे साथ में, तो और वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कैप इज सिटीजन अमेंडमेंट बिल, सो उसके तहत अभी गवर्नमेंट ये तय करेगी कि आपको इस देश में सिटीजन का राइट है या नहीं है, विच इज़ रियली रॉन्ग। और उसके बाद में जो NRC होगा, जैसे दैट इज़ नेशनल रेजिडेंस कार्ड, जैसे आधार है उस टाइप का, तो उसमें दे हैव पर्पसली केप्ट द माइनॉरिटी असाइड, मतलब उन लोगों ने उसमें से माइनॉरिटी को एक्सक्लूड किया हुआ है। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक साथ, जब भी हमारे बंटवारा नहीं हुआ था इंडिपेंडेंस के पहले, उसके पहले से कई लोग ऐसे हैं जो नॉन हिंदू है पर वो यहाँ रह रहे हैं। मतलब तो अभी अनफॉर्चुनेटली जब पाकिस्तान हुआ तो उसके बावजूद भी कई मुस्लिमों ने पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं किया, दे प्रेफर टू कम टू हिंदुस्तान। उनको उनकी चॉइस उन्होंने भारत रखी।